Hello students, now we are going to start with the Bohr's model of atom and before starting to study the Bohr's model, I would like to suggest you all to go for a revision, fast forward revision of whatever you, you have studied earlier regarding the structure of atom, like uh, how electron is developed by J.J. Thomson's experiment, how proton and neutron is discovered by Rutherford's experiment.

सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स को आप देखते हैं बिकॉज ऑल मटेरियल्स आर अप ऑफ सम काइंड ऑफ एटम्स तो एक सिंगल एटम की बनावट कैसी है जैसे आप किसी घर के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि भाई घर में खिड़की कहाँ है दरवाजे कहाँ हैं ब्रिक्स का प्रयोग कहाँ हुआ है वुड का प्रयोग कहाँ हुआ है तो उसके कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स क्या हैं और कैसे कंस्टिट्यूट किया गया है कैसी बनावट है उसकी तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम यही जानना चाहते हैं ये पूरी एटम की कहानी जो है ये पूरा चैप्टर यही बताता है कि कैसे अर्ली एक्सपेरिमेंटल्स ने इसे इसके बारे में क्या इन्वेंट किया कैसे किया और अब बोर तक हम पहुंच चुके हैं बोर साहब ने एटम के अंदर की बनावट के बारे में क्या बताया और उसके पीछे क्या सपोर्टिंग थियोरीज थी क्या लॉजिक्स थे क्या ऑब्जर्वेशंस थे जिससे ये बात पता चली कि बोर के पहले तक जिन लोगों ने मॉडल दिया और अदर फोटो वगैरह ने वो उसमें गलतियाँ क्या थी कमियाँ क्या थी तो ये सारी चीज़ों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पे एक एक लाइन बिल्कुल शब्दशः पढ़ूँगा और एक्सप्लेन करूँगा जहाँ पे एलोब्रेशन की ज़रूरत होगी थोड़ा एलोबरेट करूँगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए और अगर इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसे और फर्दर वीडियोज़ में उसको कवर किया जाएगा सो ना लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी डेवलपमेंट्स लीडिंग टू दी बोर्स मॉडल ऑफ़ एटम यानी कि इस सेक्शन टू में हम ये पढ़ेंगे ये समझेंगे कि वो क्या डेवलपमेंट्स थे क्या नई चीज़ें सामने आईं जिनसे बोर्स मॉडल की तरफ हमें बढ़ना पड़ा और बोर्स साहब ने ये मॉडल दिया सो हिस्टोरिकली रिजल्ट ऑब्जर्व फ्राम दी स्टडीज़ ऑफ़ इंटरेक्शन्स ऑफ़ रेडिएशन्स विद मैटर हैव प्रोवाइडेड इमेंस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं कि अगर इतिहास को पीछे पलट कर देखें तो जो रिज़ल्ट आए बहुत स्टडी के बाद कौन सी स्टडी इंटरेक्शन ऑफ़ रेडिएशन विद मैटर यानी कि रेडिएशन का मैटर के साथ रेडिएशन एक ऐसा टर्म है जिसे बहुत ठीक से समझने की ज़रूरत है मैटर आप ऑलरेडी जानते हैं एनी थिंग विच इज़ हैविंग सम मास ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड दैट कैन बी परसीव्ड बाई आर सेंसेस इन्हें हम मैटर कहते हैं जिन्हें हम छू सकें देख सकें फील कर सकें और जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो तो ऐसी कोई भी चीज़ मैटर कहलाती है मैटर के साथ रेडिएशन का इंटरेक्शन हुआ रेडिएशन से आप क्या समझते हैं तो रेडिएशन का मतलब जैसे लाइट है रेडिएशन के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम क्योंकि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर तो जब तक हम वेव और पार्टिकल नेचर को डिस्कस नहीं कर लेते हैं तो रेडिएशन टर्म को अभी लाइट मान के आप चलिए आगे अभी हम लोग आगे ही डिस्कस कर लेंगे बहुत जल्दी तो रेडिएशन का यानी लाइट का मैटर के साथ ऑब्जेक्ट के साथ लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी स्टेट में मैटर हो जब उससे वो इंटरेक्ट किया लाइट आके मैटर पे पड़ी और इंटरेक्शन हुआ तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन सामने आए जिनको स्टडी करने से बहुत इमेंस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स जिससे हमें उस मैटर के कॉन्स्टिट्युवेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में उनकी बनावट कैसी है इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पता चली। तो रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट था नील्स बोर यूटिलाइज दीज टू इम्प्रूव अपॉन दी मॉडल प्रपोज बाई रदर टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन दी फार्मूलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम दीज वर कह रहे हैं कि दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जिससे बोर्स का मॉडल फॉर्मुलेट हुआ और उसकी तरफ हम आगे बढ़े और रदर फोर्ड की बात गलत साबित हो ही चुकी थी ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखिएगा दिज टू वर नंबर वन डूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन

और देखिए वेव्स नहीं लिखा है यही बात मैं पीछे कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है रेडिएशन टर्म के आशय को अभी हम ठीक से समझेंगे ये दो पॉइंट पहले ठीक से समझ के आगे बढ़ते हैं डूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रो रेडिएशन तो रेडिएशन जो होता है इसके दो कैरेक्टर्स होते हैं और रेडिएशन ही नहीं अब देखिए आप पूरे नेचर की बात करें तो ये पूरा नेचर दो कैरेक्टर्स पे बेस्ड है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो दो फॉर्म्स में दो तरीक़े की चीज़ें हैं दो तरीके का नेचर है जो एग्ज़िस्ट करता है वो दो चीज़ें क्या हैं ये जो ड्यूअल यहाँ पे लिखा हुआ है वो दो चीज़ें क्या हैं एक तो है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर तो ये जो दो तरह के नेचर हैं इन्हीं से पूरा का पूरा यूनिवर्स कंस्टिट्यूटेड है इसी को यहाँ ड्यूअल कैरेक्टर कहा जा रहा है तो दो तरह के जो कैरेक्टर हैं अब इनको समझेंगे हम ये पार्टिकल कैरेक्टर क्या है और वेव कैरेक्टर क्या है तो पार्टिकल कैरेक्टर जब भी हम कहते हैं तो पार्टिकल हम किसे कहते हैं पार्टिकल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं पार्टिकल का मास होगा वेव का नहीं होगा अब दोनों कैरेक्टर्स के अंतर को समझिए दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और दो ही तरह के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में तो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पार्टिकल का मास होगा शेप साइज होगा इनर्शिया की प्रॉपर्टी शो करेगा अगर मूविंग है तो कुछ मोमेंटम होगा उसका ये पार्टिकल के कैरेक्टर्स हैं वेव का कैरेक्टर क्या है वेव आप पढ़े हैं वेव का कैरेक्टर है फ्रीक्वेंसी होता है वेव का उसका वेवलेंथ होता है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंटेंसिटी फेज होता है फेज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब आप देखिए किसी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी नहीं होगा वेव नहीं होगा अभी तक आप जो जानते हैं वो यही जानते हैं लेकिन यहाँ पे जो ये फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे जो डिटेल डिस्कशन होगा उसमें आपको पता चलेगा ये वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जिन चीज़ों को हम अभी तक पार्टिकल समझते आ रहे थे जिन चीज़ों को हम अभी तक पार्टिकल समझते आ रहे थे जिसका कुछ मास होता था कुछ वॉल्यूम होता था और कुछ मोमेंटम होता था अब ये चीज़ें वेव जैसी कैरेक्टर शो कर रही हैं जिन चीज़ों को हम पार्टिकल समझ रहे थे उनका कैरेक्टर फिक्स था पार्टिकल वाला मगर वेव के और वेव के कैरेक्टर्स क्या हैं फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड है एम्प्लीट्यूड है, है फेज़ है ये जो कैरेक्टर्स थे ये सिर्फ़ वेव शो करते हैं लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो ये कि जो जिन चीज़ों को हम वेव समझ रहे थे वो कुछ ख़ास सरकम में पार्टिकल के बिहेवियर शो कर रहे हैं और जिनको हम पार्टिकल समझ रहे थे वो चीज़ें कुछ ख़ास सरकम में वेव के कैरेक्टर शो कर रहे थे ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात थी ये बहुत ही मतलब ये ब्रेक थ्रू था इन दी फील्ड ऑफ फिज़िक्स एंड नेचुरल साइंसेज दिस वॉज़ ए ब्रेक थ्रू सारी थ्यूरीज पुरानी जो हैं अब वो सारी कोलेप्स कर गई अब सारी नई बातें नए एंगल से चीज़ों को सोचना पड़ा तो आगे के डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था जिससे पार्टिकल का वेव कैरेक्टर इस्टैब्लिश हुआ और वो कौन से ऑब्जर्वेशंस थे जिससे वेव्स का पार्टिकल कैरेक्टर इस्टैब्लिश हुआ तो अब ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि कैरेक्टर दो ही तरह के हैं पार्टिकल और वेव और जो चीज़ अभी पार्टिकल कैरेक्टर शो कर रही है वो हमेशा पार्टिकल कैरेक्टर शो करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ खास सरकम में वो वेव कैरेक्टर भी शो कर सकता है यानी अब वो पार्टिकल है या वेव है ये उस सरकम पे डिपेंड करता है जिसमें आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं सिमिलरली जिसे आप वेव समझ रहे हैं वो कुछ खास सरकम में वेव है कुछ बदले हुए सरकम में वो पार्टिकल बिहेवियर भी शो करेगा सो नाउ दिस इज अबाउट दिस फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटामिक स्पेक्ट्रा अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि और इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है तो इन दो पॉइंट्स से बोर्स मॉडल की तरफ बढ़ना जरूरी हो गया फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब कह रहे हैं कि अब पहले हम पहला वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल नेचर का क्या मतलब है तो अब भाई देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वेव समझा जाता था इसके कैरेक्टर्स वेव से मैच कर रहे थे इसका कुछ फ्रिक्वेंसी था कुछ एम्पलीट्यूड था जब ये ट्रैवल करता है तो इनविजिबल होता है इसका कोई मास नहीं होता कोई वॉल्यूम नहीं होता सारे वेव के कैरेक्टर्स हैं नो पार्टिकल कैरेक्टर लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए फाइंडिंग हुई जिससे पता चला कि कुछ खास सरकम स्टेंसेज में इसका मास भी होगा वॉल्यूम भी होगा मोमेंटम भी होगा अब इसकी डुअलिटी यहाँ सामने जाहिर हो गई दिखने लगी तो इसी बात को यहाँ इस लाइन में लिखा गया है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे क्या समझेंगे एलेक्ट्रोमैगटिक रेडिएशन का ड्यूअल कैरेक्टर यानी वेव कैरेक्टर तो वो शो कर ही रहा था अब पार्टिकल कैरेक्टर भी शो कर रहा है इस बात को डिस्कस किया जाएगा इसी डुअलिटी की बात यहाँ की जा रही है दोहरेपन की बात ना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.4 अब देखिए ये 2.3 सेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं अभी तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया गया है इसको हम लोग सेक्शन टू पॉइंट फोर में डिस्कस करेंगे नाउ लेट्स मूव ऑन नाउ दिस इज द फर्स्ट सब सेक्शन ऑफ द दिस सेक्शन टू पॉइंट थ्री पॉइंट वन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो Thank you.